क्वेश्चन 197 है, टू साइड्स ऑफ अ प्लॉट मेजरिंग 32 मीटर एंड 24 मीटर एंड द एंगल बिटवीन दैम इज परफेक्ट राइट एंगल. एक प्लॉट है उसकी तो दो साइड्स से उनकी लेंथ दे दी 32 मीटर एंड 24 मीटर. ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, सपोज करो ये आपकी 24 है और ये कितनी है 32. ठीक है, ये मैंने एक प्लॉट बनाया है उसकी दो साइड्स हैं जो वो दे रखी हैं आपको, एक 32 मीटर है और दूसरी क्या है 24 मीटर. ओके, फिर आपसे बोला गया है द एंगल बिटवीन दैम इज अ परफेक्ट राइट एंगल, और जिसमें जो एंगल है कितना है 90 डिग्री है. द अदर टू साइड्स मेजर 25 मीटर ईच एंड द अदर थ्री एंगल्स आर नॉट राइट एंगल. जो बाकी दो साइड्स बची उनका मेजर है 25 मीटर. ठीक है, 25 मीटर ये मैंने बना ली और जो एंगल है इनके बीच में वो 90 डिग्री एंगल नहीं है. बाकी जो तीन एंगल बचे ना, ये वाला एक, ये दूसरा और ये तीसरा, इनमें से कोई भी 90 डिग्री एंगल नहीं है. देखो देखने में भी नहीं लग रहा और है भी नहीं. और ये दो साइड्स हो इनकी, इनकी मेजर कितना है 25 मीटर और 25 मीटर दोनों का मेजर है, लेंथ है. अब आपसे पूछा है द एरिया ऑफ द प्लॉट इन मीटर स्क्वेयर, आपने इस प्लॉट का एरिया निकालना है. ओके, एक तरह से क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अगर आपने निकालना है, एरिया क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट. पर यहाँ पे आपको क्या नहीं पता, हाइट नहीं पता. ठीक है, क्या नहीं पता, हाइट नहीं पता. बेस इंटू हाइट वैसे पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है, इसमें तो आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया से निकाल ही नहीं सकते. इसका निकालेंगे कैसे, देखो इसका कैसे निकलेगा. इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डायगोनल बनाना पड़ेगा ऐसे. डायगोनल बना लिया. इस डायगोनल को बनाने के बाद में जो एक क्वाड्रिलेटरल है, जो आपका प्लॉट है, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया. इसको नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी डी. ठीक है, इसको मैंने नेमिंग कर दी है. अब क्या करना है, इसमें हम पहले ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मींस अगर हम इनका एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, और उन दोनों को ऐड कर दें, तो हमारे पास पूरा प्लॉट का एरिया आ जाएगा. ठीक है, तो पहले हम इसका निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया आप निकाल सकते हो कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके. ठीक है, तो निकाल देते हैं कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस कितनी है 32 है और हाइट क्या कौन होगी 24. फिर राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइट हमें पता होती है, इसलिए इसका एरिया निकल सकता है. सो करो 16 इंटू 24, 16 को 24 से मल्टीप्लाई करा दो, 6 4 24, 2 4 1 4 6, 6 2 12, 1 2 1 2 3 4 8 3, कितना आया 384, कितना आया 384 मीटर स्क्वेयर. तो इसका एरिया पता लग गया आपको 384 मीटर स्क्वेयर है. पर ये जो इससे पीछे पड़ा है, ये दूसरा आपका स्क्वेयर ट्रायंगल बन रहा है ए डी सी, इसका एरिया कैसे निकालोगे. इसका एरिया निकालने के लिए तो आपको हाइट तो पता ही नहीं है, हाइट तो इसमें है ही नहीं, पर निकल सकता है. अगर आपको ये ए सी की लेंथ पता लग जाए कितनी है, ये आपको तीनों साइड्स पता लग जाएंगी. अगर तीनों साइड्स पता लग गई तो आप फिरोंस फॉर्मा लगा के आप इसका एरिया निकाल सकते हो. ठीक है, पर ये साइड निकालें कैसे, ए सी ये भी निकल सकती है. ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए बी सी, इसके हाइपोटन्यूज है. तो इसमें एक चीज़ और करने जा रहा हूँ मैं, इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, पेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर.
इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्यों निकालनी पड़ रही है ए सी, क्योंकि हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते जब तक हमें ये साइड नहीं बताओ। ए डी सी का एरिया तभी निकलेगा अगर हमें ए सी की वैल्यू बताओ, तो हमें ए सी निकालनी पड़ेगी। तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आया, ए बी पता है, 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 32 का स्क्वायर कितना होता है निकाल लेते हैं, 2 to the 4, 3 to the 6, 3 to the 6, 3 to the 9, 1024 कितना आया, 1024। तो इनको ऐड कर दो, 1024 में 576 ऐड करो, 6 plus 4 10, 1 carry, 7 plus 3 10, 1 carry, 5 plus 1 6, 1600 आ गया ए सी का स्क्वायर। ए सी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1600। ये किसका स्क्वायर होता है 1600, 40 into 40, 13 बन गया, तो बाहर कितना आ गया 40, ए सी 40 आ गया। आपको पता लग गया जो ए सी है ये कितना होगा, 40 मीटर होगा। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी, उसका भी एरिया निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि उसकी तीनों साइड्स पता लग गया आपको, तीनों साइड्स पता लग गई ना ए डी सी की। तो कैसे निकालोगे, हीरोन्स फॉर्मूला इन ट्रायंगल ए डी सी में हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है हमें, उससे इसका ए ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, एस इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, कैसे, अगर कोई ट्रायंगल है जैसे इसी में बताया था हूँ, ट्रायंगल जो हमारा ए डी सी है ये ऐसे ए सी है, इधर है ये ऐसी है ना ए डी सी, ए सी हमारे पास 40 है, ये कितना है 25, और ये कितना है 25। तो ऐसे कैसे निकालते हैं, तीनों साइड का जोड़ 25 plus 25 plus 40, उसको हाफ कर देते हैं, सेमी मीन्स हाफ, कितना हो गया 25 plus 50 plus 40 90 बटा 2 कितना आया 45। तो सेमी पेरीमीटर आपके पास कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, हमने एरिया निकालना है, एरिया निकाल देते हैं, एरिया निकालो, एरिया किसके बराबर आएगा, अंडर रूट एस, एस कितना आया 45 इंटू एस माइनस ए, 40 minus 25, 45 minus BB 25 मान लो, तो तीसरी साइड है वो क्या 40, 45 minus 40 लगा, पता ना कैसे लगाया, एस इंटू एस माइनस ए, ए को मैंने 25 माना, बी मेरा ए भी 25 है, और सी मेरा क्या 40 लगा दिया बीच में, कितना बनेगा एरिया 45 into 45 में से 20, 25 के 20 into 20 into 5। ठीक है, ओके, तो क्या बना, ए बाहर आ जाएगा 20, अंदर क्या रह गया 45 into 5। ठीक है, इस तरफ कर रहा हूँ तो हमारे पास एरिया कितना आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी किसके बराबर आया, 20 into 45 into 5 था ना, 45 को तोड़ दो, 9 5 45 into 5 पीछे पड़ा, इसके ही पेयर बन देंगे 9 के 3 into 3, और क्या बन गया पीछे 5 into 5 पेयर बन गया ना, तो बाहर क्या है 23 भी बाहर आ जाएगा और 5 भी बाहर आ जाएगा, कितना बन गया 60 300। तो जो ये वाला है इसका एरिया कितना आ गया 300 meter square, तो दोनों को ऐड कर दो, एक का 300 आया, एक का 384 आया, 300 plus 384 कितना आया 684 meter square इसका आंसर आएगा, है ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा बताता हूँ क्या क्या, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया था, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आप सीधा निकाल सकते थे,
उसी राइट एंगल ट्रैंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, उससे आपने ए सी निकाल लिया, ए सी निकलते ही जो दूसरा ट्रैंगल था ए डी सी उसकी तीनों साइड्स पता लग गया आपको। आपको अगर तीनों साइड्स पता लग जाए ट्रैंगल की, तो हीरोन्स फार्मूला से आप उसका भी एरिया निकाल सकते हो। यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हीरोन्स फार्मूला में मैंने दूसरे वाले ट्रैंगल का भी एरिया निकाल दिया है और दोनों को एरियाज को ऐड कर दिया, तो एरिया ऑफ प्लॉट आ गया हमारे पास दोनों को ऐड करके 684। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू साइड्स एडजेसेंट टू द राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कि मैंने बना लिया। ए और बी दो एडजेसेंट साइड्स हैं, मैं मान लेता हूँ ये ए है और ये बी है, ये एडजेसेंट साइड्स हैं ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की। ए एंड बी आर द टू साइड्स एडजेसेंट टू राइट एंगल, जो राइट एंगल है ना ये देखो यहाँ पे राइट एंगल, इसके जो एडजेसेंट साइड्स हैं एक इस राइट एंगल के एडजेसेंट एक ये है और एक ये है, ये दो साइड्स आपको दे रखी हैं जो राइट एंगल के एडजेसेंट साइड्स हैं ए और बी। एंड पी इज़ द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाइपोटन्यूज, एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटन्यूज के ऊपर। पी इज़ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाइपोटन्यूज फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, हाइपोटन्यूज ये है, ठीक है, हाइपोटन्यूज कहाँ पे है, दिस इज द हाइपोटन्यूज, इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है ये, ठीक है, यहाँ से आपने एक हाइपोटन्यूज पे एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। चलो ये करते हैं, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसमें बोला था कि आपने हाइपोटन्यूज के ऑपोजिट वर्टेक्स से, हाइपोटन्यूज के ऑपोजिट वर्टेक्स ये है, इस वर्टेक्स से आपने एक राइट एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था हाइपोटेन्यूज के ऊपर, कर दिया, और इसकी लेंथ आपको पी दी है, ये पी है, आपसे पूछा है देन पी स्क्वायर इज इक्वल टू, पी टू नहीं है पी स्क्वायर, एक्चुअली पी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने पी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आप एरिया जो ट्रायंगल का है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वो पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस तीन साइड से कोई भी बेस बन सकती है, अगर बेस ये बन रही है तो हाइट ये बनेगी, अगर बेस ये है तो हाइट ये है, अगर बेस ये है तो उसकी हाइट ये है, ठीक है, आपको पता ही ना, अगर ट्रायंगल है उसकी अगर बेस में ये लेके चल रहा हूँ तो हाइट क्या बनेगी ये, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल है उसकी अगर बेस मैंने ये ली है तो उसमें हाइट का काम कौन करेगा, ये जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे ड्रॉ होगा, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरेगा। अगर आपने बेस ये ली है तो अगर एरिया निकालना है तो आपको बेस ये लेनी है, तो हाइट आपको ऑपोजिट वर्टेक्स से इसके ऊपर गिरानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो कैसे निकाल सकते हैं एरिया, जब आपने बेस ए लिया, ठीक है, व्हेन ए इज बेस, जब आप ए को बेस ले रहे हो तो एरिया किसके बराबर आएगा, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आएगा, हाफ इंटू बेस मैंने ए लिया है और हाइट कौन काम कर रही है परपेंडिकुलर ना, हाइट क्या है बी। दूसरे केस में व्हेन मैंने दूसरे केस में बेस क्या लिया है इसको, ठीक है, इस चीज़ को बेस लिया है, क्या मान लो इसको कुछ ले तो सकता है, इसकी वैल्यू निकल सकती है, इसकी वैल्यू निकाल लो यार, इसकी वैल्यू निकल सकती है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हाइपोटेन्यूज ये है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, परपेंडिकुलर बी है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितना आया, इसको मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पता लग गया आपको क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एरिया फिर से एरिया निकालना उस ट्रायंगल का, जब बेस मेरी क्या है, व्हेन बेस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब एरिया निकालते हैं, एरिया कैसे, एरिया आएगा
हाफ इंटू बेस क्या है मेरा इंटू ए स्केयर प्लस पी स्केयर इंटू हाइट क्या है पी। हाइट का काम कौन करेगा? पी। अब ट्रायंगल तो सेम है तो एरियाज क्या होंगे? इक्वल होंगे। इन दोनों को इक्वल रख दो, हाफ इंटू ए इंटू बी को किस तरह रख दो, हाफ इंटू अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू पी। ये पी बाहर है ठीक है, हाफ से हाफ कट गया तो पी की वैल्यू क्या है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके नीचे आ जाएगा ए बी के, ए पी अपॉन क्या जाएगा अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। हमें पी स्केयर की वैल्यू चाहिए तो इधर स्केयरिंग हो जाएगी तो ए का स्केयर हो जाएगा, बी का भी स्केयर हो जाएगा और नीचे से रूट हट जाएगी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। जब स्केयर करेंगे ना दोनों साइड स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो ए स्केयर बी स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 199 है। ए इज द सेंटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 8 एंड बी इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 8। इफ दीज टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन द एरिया ऑफ द सर्कल विद डायमीटर ए बी इज। आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 8 है, ठीक है मैं बना रहा हूँ, एक सर्कल है इसका रेडियस 8 है, एक बी है एंड बी इज द सेंटर, अच्छा ए इज द सेंटर, ए सेंटर है सॉरी, ए एक सेंटर है पहले सर्कल का जिसका रेडियस 8 है और बी एक बी सेंटर एक सर्कल का जिसका डायमीटर 8 है। अगर डायमीटर 8 है तो रेडियस कितना होगा? 4 है ना, डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस। और ये बी सेंटर वाला सर्कल पहले वाले सर्कल को टच भी कर रहा है, लिखा हुआ टच एक्सटर्नली, मीन्स आपने एक यहाँ पे एक और सर्कल बनाना है जिसका रेडियस क्या हो 4 हो, तभी डायमीटर 8 बनेगा ना। डायमीटर 8 मीन्स रेडियस होते इसका डायमीटर 8 बन गया, 4 इधर होगा तो 8 होगा, ये बी है। अब आपसे पूछा है देन द एरिया ऑफ द सर्कल विद डायमीटर ए बी। अब आपने एरिया निकालना है सर्कल का जिसका डायमीटर डायमीटर ए बी हो, मीन्स ए बी डायमीटर काम करेगा। तो ये जो सर्कल बना है इसका एरिया आपने निकालना है इस वाले का, ठीक है इसका एरिया निकालना है। तो इस सर्कल का डायमीटर कितना बन गया? 12। देखो 8 प्लस 4 बन गया ना 12। मैं जो रेड वाला सर्कल है बाहर बना रहा हूँ उसको, ज़्यादा बड़ा बन गया, रेड वाले सर्कल को बाहर बना रहा हूँ, तो डायमीटर कितना बना इसका? 8 प्लस 4 12। तो रेडियस कितना बन गया? 6। तो एरिया निकाल दो इसका 5r² सारे आंसर पाई में है तो पाई रहने दो, r कितना है 6 का स्केयर, 6 6 36 पाई आंसर आएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, टू हंड्रेड क्वेश्चन है, 200वां क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%, द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हम बना लेते हैं सपोज रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो 10% बढ़ा दी गई है और ब्रेथ 10% कम कर दी गई है। तो आपने बताना है जो न्यू रेक्टेंगल बना है उसका एरिया क्या होगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ा है, मीन्स उसका एरिया बढ़ा है कम हुआ है, ना बढ़ा ना कम हुआ है, कितना बढ़ा है, सब कुछ आपने उसको बताना है क्या हुआ है उसके पहले के रिस्पेक्ट में। तो हमें जो पहले वाला सर्कल हमने रेक्टेंगल बनाया इसका हमें कुछ नहीं पता, ना हमें लेंथ पता ना ब्रेथ पता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एरिया लेंथ इंक्रीज करिए ब्रेथ डिक्रीज करिए और लेंथ और ब्रेथ की कोई वैल्यू ना दी हो तो आप उसको अपने पास से अज्यूम कर सकते हो, तो आप उसको अपने पास से लेंथ और ब्रेथ को ज्यूम कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपने लेंथ और ब्रेथ को अपने पास से ज्यूम करना है तो आपने दोनों को 100-100 मान लेना है। अब आप कहोगे कि 100-100 मान लूँगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्चुअली जो स्क्वायर होता है वो भी क्या होता है, एक रेक्टेंगल ही है,
ठीक है, अगर लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल के इक्वल हो जाए तो ये क्या बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लेंथ को भी 100 मान लो, ब्रेथ को भी 100 मान लो। अब क्या किया आपने, मैंने सपोज कर लिया पहले मेरा रेक्टेंगल ऐसा था, फिर आपने क्या कर दिया उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ के साथ छेड़खानी करी है, लेंथ बढ़ा दी है और ब्रेथ कम कर दी है, लेंथ बढ़ा दी और ब्रेथ कम कर दी। सपोज ऐसा बन गया अब आपका रेक्टेंगल, ठीक है, और कितनी कितनी लेंथ को 10% बढ़ाया, लेंथ पहले 100 थी, 100 में 10% डालो 10, तो कितनी होगी लेंथ, 110। ब्रेथ को 10% घटाया है, ब्रेथ पहले 100 थी, इसमें से 10% माइनस करो, 100 का 10% 10 माइनस करो तो 90। तो एरिया के बीच में उन्होंने पूछा है क्या फ़र्क पड़ा है, पहले एरिया में कितना फ़र्क पड़ा है, पहले दोनों को एरिया पता करना पड़ेगा, पहले कितना था कितना हो गया है, पहले एरिया कितना था, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है 100 इंटू 100, पहले एरिया कितना था 10,000, अब कितना आया 110 इंटू 90, 99,100। एरिया कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, तो मीन्स ये तो बाहर गया ऑप्शन, ये भी गया बाहर। अब परसेंट में डिक्रीज़ पूछा कितना हुआ, परसेंट डिक्रीज़ कैसे निकालते हैं वो भी देख लो, परसेंट डिक्रीज जब भी निकालना है तो आपने करना है पहले कितनी चीज़ थी वो देखो, किसी भी क्वेश्चन एरिया नहीं, जनरली क्वेश्चन जब भी होता है ना परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का, तो पहले किस चीज़ की वैल्यू कितनी थी वो पता करो, पता होनी चाहिए आपको, बाद में कितनी हो गई है वो पता होनी चाहिए। अब एक कम हुई है, कितनी कम हुई है, 10,000 में से अगर आप 100 निकाल दोगे तो 100 कम हुई है, कितनी कम हुई है 100, ये माइनस का रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स डिक्रीज हुई है, डिक्रीज तो आगे लिख ही रखा है, ठीक है। तो परसेंट डिक्रीज कैसे निकालोगे आप, जितनी कम हुई है उसको ऊपर रखो, अगर माइनस साथ में रखोगे तो माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिक्रीज, अगर नहीं रख रहे हो तो यहाँ पर मैंने डिक्रीज का साइन लगा लिया, जितनी डिक्रीज करी है ऊपर, जितनी ओरिजिनल वैल्यू थी उसको नीचे इनटू 100 करना, कट गया सारा, 1 आया, 1% जो एरिया है वो 1% कम हो गया, तो आंसर क्या आएगा इसका, 4th ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 201 है, इफ़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द हाइट एंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी सेम देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज, इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास, यू हैव टू ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके लेट्स सी, सपोज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, what you have given, you have given that the numerical value of height and the area of equilateral triangle be same, means the height of this equilateral triangle and the value of the area, jo area is equilateral triangle ka wo aur iski height hai wo are the same, okay let me draw the height of this triangle, that's the height of this equilateral triangle. One thing you should know, the height or altitude of an equilateral triangle is also the median of the equilateral triangle. जो height होती है equilateral triangle की वही उसका median भी होता है, ठीक है, means वो base को दो equal parts में divide भी करेगा, median जो है जो height है ये perpendicular भी होगा और इनको दोनों sides को equal में parts में divide भी करेगा। Suppose कर लेता हूँ इसकी तीनों जो sides हैं equilateral triangle की वो A है, A ए, ए, मैंने अपने पास पोज कर ली। अब आपको पता है हाइट है, हाइट के साथ साथ ये मीडियन भी है, द मीडियन डिवाइड्स द बेस इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये क्या बनेगा, इतना ए बाय टू होगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए बाय टू, ओके। नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस इक्वल ट्रायंगल, इसकी हाइट कैसे निकालूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, दिस इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हम हाइपोटन्यूज सॉरी पाइथागोरस थ्योरम कैन बी एप्लीकेबल इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम
theorem, hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. This is the hypotenuse. The value of hypotenuse is a. Then a square is equal to, this is perpendicular. We have to find the perpendicular or height. Perpendicular square plus base. Base is this. This is the base. a by 2 ka whole square. A square equal to b square plus a square by 4. So is the play out. A square minus a square by 4 equal to b square. Now solve this. 4, take LCM. 4 a square minus a square equal to b square. 4 a square minus a square, 3 a square by 4 equal to b square. What is the value of b? Under root 3 upon 4 a square. Under root lag jayega set mein. So root se values bahar nikalo. 3 ka under root 3 bahar aayega. 3 hi rahega. 4 mein se 2 bahar aayega. 2 ka 4 hota hai, pair 1 ka 2 bahar aa gaya. A square ka a bahar aa gaya. To means jo height hai aur altitude hai ya perpendicular hai wo kitna aaya? Root 3 by 2 a. मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप इसको याद भी रख सकते हो. अगर याद नहीं रखना तो आप इसको ईजिली निकाल भी सकते हो. तो हाइट होती है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो कितनी होती है? रूट थ्री अपॉन टू ए. क्वेश्चन में आपको सेम क्या दे रखा है? जो साइड है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द हाइट एंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. आपको एरिया ही पता होना चाहिए. एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? एरिया ऑफ एन इक्वी lateral triangle is root 3 upon 4 into side ka square. Then according to question, what you have given? According to question, you have given that the height is equal to area. The height is equal to area. Height is equal to root 3 upon 2a is equal to the area of the equilateral triangle. Area is root 3 by 4 into a square. Solve this. Root 3 and root 3 get cancelled. A square se a kar jayega. So kya bacha yahan pe? 2 1 za 2, 2 2 za 4. Upar wale numerator aur denominator aapas mein kar jate hain. Idhar to 1 bacha, sara hi kat gaya. Left side to 1 bach gaya. Idhar kya bach gaya? A bach gaya ek upar. ए स्केयर था ना, इस ए से एक ए कटा, एक ए रह गया, नीचे टू रह गया. टू को इधर भेज दो तो टू इक्वल टू ए. जो साइड आई इक्वल ट्रायंगल की वो कितनी आई है? टू. इसका मतलब ये है, अगर कोई आपका इक्वल ट्रायंगल है उसकी अगर साइड टू यूनिट्स है तो इसका जो एरिया आएगा वो और इसकी हाइट होगी वो दोनों इक्वल होंगे. तो an equilateral triangle whose side is 2 units has equal area and its height, both are equal. Height and area of the equilateral triangle are equal if its each side is 2 units. Okay, let's see next question. Question number 202. If the length of a side of the square is equal to that of the diameter of a circle, what you have given? You have given that the length of the side of the square is equal to that of the diameter of a circle. Then the ratio of the areas of the square and that of the circle is okay. इसमें दो फिगर की बात हो रही है. एक स्क्वायर है भाई, एक वन इज स्क्वायर एंड द सेकंड वन इज सर्कल. दोनों ही बना लेते हैं. ये have drawn square and suppose this is the circle. The length of the side of the square, nothing is given. We have to suppose, let us suppose length of the side of the square is a. All sides of the square are equal. These are all these sides, all each of the side of square is a. If the length of the side of the square is equal to that of the diameter of a circle and the side of the square is equal to the diameter of the square. आपको बोला जो side है square की
वो सर्कल के डायमीटर के इक्वल है, तो मीन्स इसका मतलब ये है जो सर्कल का डायमीटर होगा वो भी ए होगा। यू गॉट इट? इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू दैट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो डायमीटर है सर्कल का उसके बराबर स्क्वायर की साइड है, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड दैट ऑफ द सर्कल इज, आपने ये बतानी है रेशियो एरिया की, एरिया ऑफ पहले किसकी बात करी गई है स्क्वायर की, एरिया ऑफ स्क्वायर ऊपर रखना और नीचे रखना है एरिया ऑफ सर्कल, इसकी रेशियो निकालनी है। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको सभी को पता है साइड इंटू साइड होता है, ए इंटू ए हो जाएगा, और जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आर तो पता नहीं निकाल लोगे, अगर आपको डायमीटर पता है तो रेडियस का हाफ होता है तो रेडियस ए बाई टू आ जाएगा, तो रेडियस की जगह डालो ए अपॉन टू इंटू ए अपॉन टू, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो उसको सॉल्व करते हैं, क्या बना ए इंटू ए, ये जो दोनों टू टू हैं ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ऊपर आ जाएंगे दोनों, और नीचे क्या बचेगा पाई रह गया ए इंटू ए, ए ए से दोनों ए गेट कैंसल्ड, देन टू टू जब फोर अपॉन पाई, द आंसर इज फोर अपॉन पाई, बट द इन दिस ऑप्शंस यू हैव टू देर इज पाई तो है नहीं ना कहीं पे, तो पाई की यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई इन दिस आंसर, फोर अपॉन पाई द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, सेवन ऊपर चला जाएगा 4 × 7/22 कट रहा है, 2 × 2 = 4, 2 × 11 = 7, 7 × 2 = 14/11, तो रेशो क्या है 14:11, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 203, इसमें द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6√3, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका मीडियन दे दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज माय इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल द साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, द मीडियन ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ड्रॉ मीडियन, this is the median, suppose the median of the equilateral triangle is also the height of the triangle, equilateral triangle के केस में जो median होता है वही perpendicular भी होता है, height भी वही होती है triangle की, तो ये perpendicular भी होगा और bisect भी करेगा base को दो equal parts में, ये आपको पता होना चाहिए, properties है equilateral triangle की, तीनों sides equal होती हैं equilateral triangle की, suppose करो मैं a a a मान लेता हूँ तीनों sides को, आपको मीडियन दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कितनी ये चीज 6√3, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है 201 था आई थिंक, उसमें आपने मीडियन की वैल्यू निकाली है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में आप याद रख सकते हो, अगर तीनों साइड्स ए हैं तो जो मीडियन होता है वो होता है √3/2a, इसको जल्दी याद रख सकते हो, डेरिवेशन देखिए तो मैंने 201 क्वेश्चन में करवाई है, ठीक है तो एरिया भी आपको बताना चाहिए, एरिया कितना होता है √3/4a², ये इक्वल होती हैं दोनों साइड्स, ये मीडियन भी होता है साथ के साथ ये परपेंडिकुलर भी होता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सारी होगी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई इक्विलेटरल ट्रायंगल की, आपको 6√3 दे दिया, मीन्स आपको किसकी वैल्यू दे दी, आपको √3/2a की वैल्यू दे दी, मीन्स आपको √3/2a की वैल्यू कितनी दे दी 6√3, √3 कट कैंसल, 2 यहाँ चला जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी 6 × 2, 6 × 2 = 12, द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12, बट व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 × साइड का स्क्वायर, द साइड got the side a equal to 12, put the value of a, put the value of side into in this
फॉर्मूला ऑफ एरिया रूट 3/4 इंटू 12 इंटू 12 4 3 12 12 3 36 36 √3 यू गॉट 36 √3 एज द आंसर. दिस इज द फोर्थ ऑप्शन. चौथी ऑप्शन में बैठा ना 36 √3 इसका आंसर क्या है फोर्थ ऑप्शन 36 √3. ठीक है आप इसको याद ही रख लो. इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही हाइट होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2a. ठीक है ए क्या है जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है तीनों साइड से हैं. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 204 है. इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल इज सेम. सर्कल की सर्कमफेरेंस और एरिया सेम है मींस इक्वल है तो एरिया बताओ. चलो पहले सर्कल बना लेते हैं. दिस इज अ सर्कल. सर्कमफेरेंस क्या होती है ये इसका घेरा है. ठीक है सर्कमफेरेंस और एरिया सेम है तो पहले फॉर्मूलास पता होना चाहिए सर्कल केस में. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr अगर रेडियस इसका r है और आपको एरिया ही पता होना चाहिए πr² ये दोनों इक्वल है मीन्स 2πr किसके इक्वल है πr² पाई से पाई कट गया r से r कट गया तो 2 = r तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई. ठीक है देन द एरिया इज एरिया पूछा एरिया निकाल लो πr² पाई आर टू है 2 का स्क्वेयर 2 × 4 = 4π² यूनिट्स आपका आंसर आएगा. सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है. ठीक है लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 205 है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 48 square centimeters. कई इक्विलेटरल ट्रायंगल है बनाइए. Suppose this is the equilateral triangle. Area दे दिया इसका. अगर इसकी sides AAA equilateral triangle की equal होती है तीनों sides. A suppose कर ली मैंने. तो area का formula क्या होता है? √3/4 a² ये दिया हुआ आपको कितना? 48 square centimeter. Area कितना दे दिया? 48 square centimeter. अब डाल दी मैंने इसकी value. साइड निकालनी है निकाल लेते हैं 48 × 4/√3 ए स्क्वायर. रूट थ्री कभी भी रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं हम रखते उसको रैशनलाइज कर देते हैं. इसको रैशनलाइज करने के लिए नीचे से डिनोमिनेटर रूट खत्म करने के लिए इसको ऊपर नीचे रूट थ्री से मल्टीप्लाई करा देना. ठीक है तो क्या हुआ क्या बनेगा देखो नीचे √3 × √3 बन गया ऊपर क्या बन गया 48 × 4 ओके इंटू √3. ठीक है यही बना है. अब आपने तो क्या निकालना है ये ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपने तो क्या निकालना है ए निकालना है. ठीक है जी ए निकालते हैं. क्वेश्चन में कहीं पे गड़बड़ तो नहीं आई कभी चेक कर लेने दो. क्वेश्चन यही है ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है एक मिनट देना चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या है. 205 क्वेश्चन है. क्वेश्चन तो ठीक है क्वेश्चन तो जो बुक में है यही है पर इसका आंसर नहीं निकल सकता. ठीक है बुक में भी इसका आंसर नहीं दिया हुआ है. ठीक है एक्चुअली निकल नहीं सकता. यहाँ पे देखो ए की वैल्यू आप यहाँ से नहीं निकाल सकते. क्यों? पहले इसमें √3 लगा हुआ है. देखो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है ए की वैल्यू निकालोगे आप इस साइड रूट लोगे 48 × 4/√3. अब √3 का और रूट लोगे तो वो
नहीं निकाल पाओगे आपको, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर आप नहीं निकाल सकते। या तो यहाँ पे 48 रूट 3 होता, यहाँ पे क्या होता 48 रूट 3 होता सपोज करो एरिया, तो आप निकाल सकते। देखो 48 रूट 3 इक्वल टू रूट 3 बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर, रूट 3 से रूट 3 कट गया और इधर चला जाएगा, 48 इंटू 4 इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 48 इंटू 4, फैक्टर ला लो 8 6 48 या फिर 8 6 48 नहीं ला लो आप 16 3 48 बना लो इंटू 4, ठीक है? 16 का 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 बार आ गया यहाँ पे, इसका 4 का 2 बार आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा रूट 3, तो कितनी आएगी ए की वैल्यू क्या आएगी 4 2 8 रूट 3, साइड 8√3 आ जाएगी, पर इसमें 8√3 भी नहीं है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप ठीक कर सकते हो कैसे, यहाँ पे 48√3 कर लो और थर्ड ऑप्शन को 8√3 कर लो, तो इसका आंसर बन सकता है। मीन्स आपको क्वेश्चन को ठीक करना पड़ेगा, अगर इसकी साइड 48 है तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल सकता, ठीक है? क्वेश्चन ठीक नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन विद साइड ए इज, हेक्सागन की साइड कितनी होती है 6, देखो हेक्सागन कुछ ऐसा होता है। हेक्सागन है मेरा, हेक्सागन कितनी साइड्स होती हैं 6, और ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है? रेगुलर हेक्सागन क्या मतलब, इसके सारे एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है? इसको मैं से ड्रॉ इस पे ज्वाइन कर देता हूँ सभी को आपस में, ठीक है? एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन विद साइड ए, आपको हेक्सागन की साइड ए दे दी, आपने बताना इसका एरिया क्या होगा। आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो हेक्सागन होता है वो कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बनता है, मीन्स इसकी सारी साइड्स क्या होंगी ए ए ए, जितने भी है ना ए भी ए होएगी, ए भी ए, ए साइड भी ए है, ए साइड भी ए है, ए भी साइड ए है, ए भी साइड ए है। मीन्स एक्चुअली जो रेगुलर हेक्सागन है वो कुछ नहीं होता, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को जोड़कर, उनको ऐसे जोड़ दिया जाए, ऐसे इसको यहाँ पर रखा, इसको इसको ऐसे रख के, तो रेगुलर हेक्सागन बन जाता है। तो एरिया भी आप निकाल सकते हो, तो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितना हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मीन्स एक इक्विलेटरल एंगल के एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया ऑफ हेक्सागन आ जाएगा 6 इंटू रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड ए, ए का स्क्वायर 2 3 2 2 4 2 3 6 2 2 4 3√3 अपॉन 2 का ए स्क्वायर है, वही ऑप्शन 3√3 अपॉन 2, ऐसा कोई ऑप्शन 3√3 अपॉन 2 तो नहीं है। अपन देखो इन सभी, इनमें नीचे रूट 3 है, तो मेरे में तो नीचे रूट 3 नहीं आ रहा, पर आप इसको बना सकते हो, देखो बन जाएगा 3√3 अपॉन 2, मैं ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई फर्क पड़ा नहीं, ए इसके साथ में लगा हुआ है, ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों नीचे ऑप्शन में रूट 3 है, यहाँ पे है, तो मैं बना के देख रहा हूँ, ये तो नहीं बन रहा कहीं पे, तो नीचे क्या बन जाएगा 2√3, ऊपर क्या बना 3√3 3 3 3 9 ए स्क्वायर अपॉन 2√3 बन गया, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर बनेगा 9 ए स्क्वायर अपॉन 2√3।
ओके okay.